नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिवरात्रि के दिन के बारे में। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी का दिन होता है। इस दिन काफी लोग तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। दोस्तों शिवरात्रि के दिन कैसे आप जादी की समस्या सहायता से कैसे आप एक खास जल का निर्माण कर सकते हैं और यह जल बिल्कुल अमृत तुल्य होगा। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार रहता हो, घर में अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और यदि कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता हो, हर वक्त चिंता में रहता हो, उसके लिए यह जल रामबाण का काम करेगा। या तो आपकी नौकरी की समस्या हो या व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, शत्रु से आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो शिवरात्रि के दिन इस विशेष जल का निर्माण अवश्य करें। इस विशेष जल का निर्माण करने के लिए क्या विधि है, किस मंत्र का उच्चारण करना है, यह सभी आपको आज के वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों आपको पता है कि शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास दिन होता है। उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इस दिन फल खाएं, बेलपत्र खाएं। जो बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएं वही बेलपत्र ले आकर वही खाएं। बेलपत्र खाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खासकर वह व्यक्ति जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए बेलपत्र बिल्कुल रामबाण का काम करता है। और बेलपत्र खास और दिल की श्वास और दिल की बीमारी के लिए भी उत्तम औषधि है। उसके बावजूद बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से बेलपत्र अभिमंत्रित हो जाता है और खास हो जाता है। बेलपत्र को ज्यादा दिन तक तो आप रख नहीं सकते हैं। आप चाहे तो जो बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर ले आए हैं उसको सुखाकर फिर उसका चूर्ण बना लें। उसको नित्य आधा चम्मच सुबह खाली पेट लेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब दूसरा उपाय यह कि आपको शिवरात्रि के दिन अमृत तुल्य जल को कैसे बनाना है। यदि आपके पास चांदी का ग्लास है तो अच्छा है, नहीं तो कांच का एक ग्लास लें, उसमें चांदी का एक सिक्का ले लें और चांदी के सिक्कों को और वह सिक्का दिवाली के दिन जो गणेश लक्ष्मी का सिक्का अगर आपके पास है तो वह भी चलेगा। आपको ध्यान रखना है कि घर में जो आप का पहना हो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कांच के ग्लास में पहले गंगा जल भर देना है और उसमें चांदी का सिक्का डाल देना है। उसके बाद उस ग्लास को शिवलिंग के सामने रख देना है और सामने रखने के बाद भगवान को अर्पित करते हुए महामृत्युंजय जाप का 51 माला या 21 या 11 माला का जाप करना है। दोस्तों 11 माला का जाप का अद्भुत लाभ मिलता है। आप जितनी ज्यादा माला का जाप करोगे उतनी ही शक्तिशाली जल होगा। इस प्रकार मंत्र का जाप करने के बाद इस जल को ढककर भगवान भोलेनाथ के सामने रख दें। फिर अगले दिन फिर इस जल को लेकर घर के सभी कोने में सभी लोगों को एक एक चम्मच पीने के लिए दें। जिस जगह पर आप सोने चांदी को रखते हो उस जगह पर इस जल का छिड़काव करें। जहाँ पर पैसा रखते हैं वहाँ पर छिड़के, फिर जो बचा हुआ जल है एक बोतल में भर कर घर के मंदिर में रख दें और नित्य इस जल को घर के सभी सदस्य को एक एक चम्मच पीने के लिए दें। इस क्रिया को करने से आप देखेंगे जल्द ही घर में आपके जो भी कर्ज की समस्या है, जो बहुत लंबे समय से बनी है, चाहे वह शत्रु की समस्या हो या रोजगार की समस्या हो या फिर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार रहता हो, उनके लिए यह खास जल रामबाण का काम करेगा। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र जाप से मृत्यु के समीप पहुंचे हुए व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए यह बहुत ही खास जल सिद्ध होगा आपके लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।